देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। भगवान श्री नित्यानंद देव गणेश्वरपुरी मुंबई का समाधि महोत्सव तिथि के अनुसार शुक्रवार 14 जुलाई को गुरुदेव श्री नित्यानंद बाबा ट्रस्ट इंदौर के तत्वाधान एवं यति श्री विनय सागर जी के सानिध्य में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर यति विनय सागर जी ने उपस्थित सभी भक्तों एवं शिष्यों को जानकारी देते हुए कहा कि आज ही हमें नगर निगम द्वारा सिलिकॉन सिटी स्थित आश्रम मार्ग एवं चौराहे का नामांकन भगवान श्री नित्यानंद देव के नाम पर करने की शुभ सूचना प्राप्त हुई है। इसके लिए हम इंदौर शहर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव एवं संपूर्ण नगर निगम के आभारी है। आज भगवान श्री नित्यानंद देव के समाधि महोत्सव के दौरान इंदौर के सिलिकॉन सिटी AB रोड राव स्थित गुरुदेव श्री नित्यानंद देव ध्यान केंद्र पर विभिन्न धार्मिक आयोजन सम्पन्न हुए। ट्रस्ट के अध्यक्ष कर्नल नितिन भटनागर एवं मंत्री प्रवीण धोका ने बताया कि शाम 6 बजे से गुरु गीता व कीर्तन, बाबा की पादुका पूजन एवं आरती व भोजन प्रसादी के आयोजन सतत रूप से संपन्न हुए। इस अवसर पर यति श्री विनय सागर जी ने अपने प्रवचनों में भगवान श्री नित्यानंद देव की कृपा का वर्णन करते हुए बताया कि प्रभु की कृपा से सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही असाध्य रोगों से भी बचाव हो सकता है। इस अवसर पर गुरुदेव की कृपा से कैंसर जैसे असाध्य रोगों से बचाव को लेकर भी कुछ लोगों ने स्वयं के प्रत्यक्ष उदाहरण देते हुए अपनी बात रखी। आज समाधि महोत्सव के दौरान यति विनय सागर जी ने सभी को हर स्थान पर स्वच्छता बनाए रखने एवं बिजली व पानी का सिर्फ आवश्यकता के अनुसार उपयोग करने के लिए सामाजिक सरोकार से संबंधित संकल्प भी दिलाया। सभी मिलकर कहें श्री गुरुदेव शरणम, श्री गुरुदेव शरणम, श्री गुरुदेव शरणम, श्री गुरुदेव शरणम, श्री गुरुदेव शरणम। पिछली बार भी कहा था कि गुरुओं द्वारा हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसका कुछ अंश भी यदि हम अपने जीवन में उतार पाए तो हमारे जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा। सहजता को जीवन में स्वीकार करना
ही परमता में प्रवेश का मार्ग है। अतः कोशिश करें कि अपने जीवन को सहज बनाने के लिए सत्य व सरलता को अपनाएं। आज हम सभी के लिए एक हर्ष का विषय है जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। भाई श्री आनंद जी कटारिया के प्रयासों से और परिश्रम से सिलिकॉन सिटी से आश्रम आने वाले मुख्य मार्ग का नाम श्री नित्यानंद मार्ग रखने का निर्णय लिया गया है। अतः आज उनके प्रयासों के लिए वह उन्हें धन्यवाद देते हुए आश्रम उनका स्वागत व सम्मान करता है। मैं श्रीमान राजेंद्र जी शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ और आनंद भैया से अनुरोध करती हूँ कि कृपया भैया आए। नम ब्रह्मानन्दं ब्रह्मस्वरूपं नीलवर्णं त्रैलोक्यनाथं श्रीगुरुदेवं ॐ नमो नित्यानन्दं ॐ नमो नित्यानन्दं पद्मपदारविन्दयुगलौ ध्यायन् सदा वैरवी वादिन्द्र प्रतिभापनुदनकला सम्यक् समासादिता जिनेन्द्रे जगदीश्वरे च विमला प्रीतिर पुच्छस्थिरा पूज्य श्रीविजयेन्द्र सूरि गुरवे कुर्मः प्रणामञ्जलि कुर्मः प्रणामञ्जलि। बाबा के समाधि दिवस पर उपस्थित हुए हैं। समाधि दिवस के साथ साथ आज आश्रम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और हर्ष का दिवस है। बाबा के जीवन के अंदर कई प्रकार के चमत्कार तो मतलब हर पल घटित होते रहे हैं। मेरे जीवन में जैसे बाबा को मेरे को ऐसा लगता है कि हर पल यह कार्य बाबा की कृपा से हुआ है। यहाँ पर बाबा ने अपने को बचा लिया है। तो जब बाबा मौजूद थे तो ऐसा कहा जाता है कि एक जज थे कोई बंगाली जो बॉम्बे हाई कोर्ट में ड्यूटी थे, वो सूरत जा रहे थे किसी कारण से और भगवान नित्यानंद देव जो है समाधि लेने के कुछ समय पहले की बात है। सूरत से वो भोईसर के आसपास तक आ गए, फिर उनको एकदम रात को चेतना उत्पन्न हुई कि मुझे गणेशपुरी जाना था। अगर सूरत तक का टिकट था उनका, पर वलसाड में जो है वो उतर गए और पूछा किसी से भाई गणेशपुरी किधर है, क्योंकि वो जो है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जो है उनको ही मानने वाले थे और चुस्त उनके मतलब कट्टर जिसको बोलते हैं कि दूसरे किसी को हाथ न जोड़ना, इस प्रकार की उनकी स्थिति आती। पर चूंकि रामकृष्ण परमहंस की तरफ से उनको आ रहा था कि तेरे को उतरना है गणेशपुरी जाना है, तो वो जो है कोई उपाय भी नहीं था उनके पास। तो बलसाड़ से वापस मुंबई गए और दूसरे दिन जो है वहां पर पूछा कि भैया गणेशपुरी किधर है क्या है, तो वहां पे किसी ने बताया कि गणेशपुरी जो है विरार से आगे इस प्रकार से जाना होगा। तो जब भगवान नित्यानंद देव के पास पहुंचे तो देखा कि कोई बाबा बैठे हुए हैं, पर जब उनको प्रणाम करने के नीचे झुककर वापस ऊपर उठाया तो वहां पर जो है भगवान नित्यानंद देव की जगह रामकृष्ण परमहंस उनको दिखाई दिए। तो उनको लग गया कि अपन बहुत है, दोनों में कोई फर्क नहीं, चाहे नित्यानंद भगवान हो चाहे रामकृष्ण परमहंस ठाकुर। इस प्रकार के कई चमत्कार उनको घट गए, ये नहीं उन्होंने कल जो है कल ऐसे को उदाहरण दे रहे थे कि अपन हमेशा सीखते ही रहते हैं। 2005 से 2002
2005 से शशांक जी मृदंग बजा रहे थे, वहाँ पे प्रोग्राम कुछ हो रहा था, शायद सत्संगी था। उस सत्संग में कुछ मृदंग को रखने का कोई एक सिस्टम होता था, उस सिस्टम में जो व्यक्ति कोई बाहर से उसके अधिक जानकारी वाले थे, तो उन्होंने थोड़ा उसका जो है सिचुएशन वो चेंज करी। तो शशांक जी ने लगा कि यार ऐसा करने से इसकी जो है आवाज़ ज़्यादा गुंजेगी। तो जैसे इन्होंने वो उसकी सिचुएशन चेंज की, अब उन्हें भी नहीं पता था कि शशांक जी कौन है, क्या है क्या नहीं, बाकी उनके मुँह से निकल गया कभी तुमने मृदंग बजाई भी है क्या। देखिए बाबा अपने अहंकार को या गमन को या किस प्रकार से आपको सुधार करते हैं, पल पल पर सुधार करते हैं, ये सदगुरु होता है जो आपको सुधार करता है और साथ ही साथ आपके जीवन में किस प्रकार से उसको किया जाए। कभी सदगुरु आपको मक्खन पानी से नहीं लगाएगा अगर सदगुरु है तो, बाकी कोई तो और ठीक है भाई इनसे कुछ खींचना है कुछ लेना है, अरे वाह भाई मनीष जी ने ये काम तो मनीष ही कर सकते हैं या सुमित ही कर सकता है, इस प्रकार से अगर कोई कर रहा है तो वो हो सकता है किसी कारण से सदगुरु समझ रहा हो कि यार एकदम हताश में नहीं आ जाए शशांक जी, यार शशांक जी कुछ नहीं, बार बार उनको डांटे जा रहे हैं, तो कहीं हताश के छोड़ो यार अपनों से तो कुछ नहीं होगा। तो कई बार इसके कारण सदगुरु जो है कुछ प्रशंसा भी कर देता है, पर उस प्रशंसा के अंदर भूलना नहीं चाहिए। उस प्रशंसा के अंदर अपने को ये चाहिए कि अपन किस प्रकार से और ये अपने को प्रशंसा मिले, अपने को सदगुरु के निकट जाने का मौका मिलना चाहिए। तो सदगुरु इस प्रकार से कई प्रकार से जो है मौका देते हैं अपने को। अगर सदगुरु आपको डांट रहा है तो आपके सुधार के लिए, या यह कह दें कि आज नित्यानंद देव की जो प्रतिमा या जो प्रतिभा दिखाई दे रही थी, पिछले गुरु पूर्णिमा पे भी कुछ इस प्रकार की चर्चा हुई थी, तो मुक्तानंद देव जब बाबा बैठा करते थे बाहर अपने कैलाश धाम में और इधर बैकुंठ में जब बाबा विराजित रहते थे, तो सब पूरा हाल भरा रहता था और मुक्तानंद देव एकदम कोने पर खड़े रहते थे हाथ जोड़, सब प्रसाद लेके चले जाते थे। और जब बाबा कुछ ऐसी लीलाएं होती थी कि जब बाबा के पास मुक्तानंद देव आए तो बोलते यार तो बेटा तेरे भी तो कुछ नहीं बचा, बाबा बोलते कोई बात नहीं बाबा आपका जो अंतरिक आशीर्वाद वो तो मेरे पास है ही और तो अभी आपके पास बचा हुआ। तो इस प्रकार से सदगुरु आपको समय समय पे थोड़े बहुत कभी एकदम हताश न हो जाए नीचे न जाने की सोच ले तो कभी कभी प्रशंसा करे, बाकी वो प्रशंसा आपकी इसलिए कि आपको उत्साह बढ़ता रहे। आज दिन में ऐसे कोई व्यक्ति आए थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कर रही थी, तो मैंने कल जो है उनको बोला कि कल ये बात हुई कि भाई सदगुरु आपकी कभी वो नहीं करेगा, और ये जो अनुभूतियां होती है इन अनुभूतियों के बीच में भी जो है अपने को रुकना नहीं चाहिए। वह व्यक्ति आए तो बोले मेरे को यहाँ पर जो है वाइब्रेशन होते इस प्रकार से होते, कभी होते कभी नहीं होते। तो मैंने कहा यह सब एक अपनी यात्रा के स्टेशन है, अब यहाँ से मान लीजिए नीमच जाना है और सीधे नीमच और इंदौर के बीच में अगर कोई स्टेशन ना हो तो व्यक्ति को लगे यार कितनी लंबी यात्रा है, कैसे उनके बीच में अपने चाय पीना थी, यार भूख लग रही है, आलू बड़े खाना है, तो उस सब के लिए एक केवल अनुभूति मात्र है। आपका जैसे मान लीजिए यहाँ से निकले बेटमा आ गया, बदनावर आ गया, रतलाम की कचौड़ी खा ली, तो आपकी यात्रा सहजता से चली जाएगी। तो ये जो है अनुभूति हो सकता है आज सर में कुछ हो रहा है, कल सीने में कुछ हो सकता है, कभी इस हाथ में हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा ही, हो सकता है लगातार आपके कई दिनों तक चलते हैं, हो सकता है कि दो दिन क्रियाएं सारी बंद हो जाए, बड़ी तड़पन पैदा हो जाए कि आप कहीं अपनों से गलतियां तो नहीं हो गई, तो मार गए में कहीं ऐसा तो नहीं हो गया वैसा तो नहीं, ये सब सोचने के में आता है। पर ये सब सोचने के लिए इतना ही समझना चाहिए कि आज कोई मशीन है या उसको चलाना है तो उसको कुछ ठीक करने के लिए कुछ समय छोड़ भी देना पड़ता है ताकि वो ठीक हो जाए, गर्म बहुत हो गई है तो ठंडी हो जाए। बोलता हूँ और सभी अपने ही है वैसे, वो मैं समझता नहीं हूँ तो बड़ा प्रवचनकार भी नहीं, अपन तो ऐसे बोल चाल की भाषा में बात कर रहे हैं। और बाबा का जो एक सत्य प्रति है, बाबा का चमत्कार अगर ऐसा कहा जाए देखा जाए तो यहाँ पर भी दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके जीवन में एकदम पूर्व से पश्चिम से जो है पूर्व की तरफ उनका जीवन चला गया।
संजय जी कटारिया हैं जिनको कैंसर हो गया था, सबको पता है पिछली बार भी देखो योगानुयोग यह बात भी जो है पिछली बार बाबा की समाधि दिवस पे ही निकली थी और आज फिर पता नहीं योगानुयोग ऐसा हो रहा है। डॉक्टर साहब थे जो रतलाम वाले, उनकी पत्नी भी मौत के मौसम मतलब 8-8 डॉक्टरों ने उनको पैनक्रेटिक में कैंसर बता दिया था और पता नहीं कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि हम जयपुर ट्रेन में से रुद्रपुर सेक्शन से आ रहे थे और वो जो है जयपुर में पहले पहुंच गए थे। जयपुर में हम गुरु गीता करने वाले ही थे तो सुमित साथ में था, उनके प्रसाद तो कुछ है नहीं तो चलो जयपुर आ रहा है तो वहाँ से जो है कुछ आगरा के पेड़ा वो कुछ लेके आया और लेके आया हम किताब खोली रहते इतने में डॉक्टर साहब का मेरे पास फोन आया। अब मरणासन स्थिति में थे उनकी पत्नी, उस मरणासन स्थिति में मैं बोल रहा हूँ बधाई हुआ। अब एक तरफ उन्होंने डॉक्टर साहब भी सोचे मेरी पत्नी एकदम मरणासन है और बधाई दे रहे हैं, पता नहीं बाबा ने क्यों बुलवा दिया। और सुबह फिर जब 7-8 डॉक्टरों की पूरी टीम एक पैनल बना हुआ था, उनको MRI कराया सब कुछ किया, बात कहाँ उनका कैंसर खत्म हुआ कैसे खत्म हुआ कुछ पता नहीं चला। संजय जी कटेरे हमारे यहीं पे सामने बैठे हुए हैं, उनके भी कैंसर हो गया था, 5-7 महीने लगे कितना टाइम लगा, 3 महीने, 3 महीने में उनका कैंसर एकदम क्लियर हो चुका है। रेखा जी बैठी हुई है यहाँ पर, ये नीचे नहीं बैठ पा रही थी ना शायद 2-3 4 साल हुए, 3 साल पहले तक इनको नीचे बैठने की स्थिति में नहीं थे, कुछ शारीरिक इनको तकलीफें थी नीचे नहीं बैठ पा रहे थे और भी दूसरी तकलीफें, वो सब तकलीफें शायद 2-4 दिन में ही बाबा ने एकदम स्वस्थ कर दी और शायद पहली बार आई थी ऑपरेशन का बोल दिया था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पर बाबा की कृपा पहली बार आए दूसरी बार आए तो सब नीचे ही बैठ गई थी। तो इस प्रकार से मतलब ये कोई चमत्कार ये नहीं कि मुंह गढ़ंत है या अपन खाली कहने के लिए कह रहे हैं, जिनके साथ ये घटनाएं घटी है वो अपने सामने मौजूद है। इसको भी एक सबसे बड़ी बाबा ने इतनी मरणासन्न स्थिति कह सकते हैं कि मनीष जी भटनागर दोनों पति पत्नी का बाबा के साथ जितना रहा है, इनको भी एक लीवर खराब हो गया तो मुझे कभी लीवर देखा नहीं, उसका साइज क्या होता है वो मुझे नहीं पता, मैं यही बैठा हुआ था ये आके बैठा तो मुझे एकदम जो है लीवर दिखाई दिया और वो एकदम काला जो है दिखाई दिया और इन्होंने बोला मेरे को इस प्रकार की तकलीफ है। उनका ठीक है बाबा से प्रार्थना करते हैं अपन, बाबा से जब प्रार्थना करी तो ये आया कि इसके साथ जो है दही दही का अभिषेक करने के बोला, मुक्तानंद देव की जो फोटो है उसके ऊपर दही का अभिषेक करना और अभिषेक तो पीना था और बाद में चावल में रखो है बाबा को जो है चावल पहले चावल और बाद में और पहले चावल में मतलब अभिषेक करके बाबा का श्रृंगार करके चावल में रखना और साथ कुछ उनमें सिवाय ऐसे कुछ 5-10 माला गिनने का बोला था। फिर धीरे धीरे वह जो लीवर, अच्छा उसके बाद मुझे पता भी नहीं था लीवर की साइज आकार क्या होता है, उसका कलर क्या होता है शुद्ध मतलब स्वस्थ लीवर का, तो वो हुआ। उसके बाद कोई एक अमीर घर से जो व्यक्ति था वो उनके पिताजी को भी लीवर की तकलीफ थी, ये बोले मेरे को दही नहीं पीना हो रहा है ये तकलीफ आ रही है। फिर मैंने कहा क्या किया जा सकता है, कायक नहीं इसको जो है दही पिलाना है, ये बात हो ही रहती इतने में जो है जो अमेरिका में व्यक्ति रहता वो आए बोले मेरे पिताजी को भी यही तकलीफ है और उन्होंने दही तो उनको लिए अमृत राम बांट। तो शायद महीने हाँ 2-3 महीने बाकी ठीक होना प्रारंभ तो 5-7 दिन में होना चालू हो गया, 2 दिन तो तकलीफ रहती है वो सारी तकलीफें बाबा की कृपा से दूर हो गई। बाद में कुछ हुआ होगा तो आया होगा बोला होगा पता नहीं, मैं तो पोस्टमैन का काम करता हूँ उधर से कुछ आया इधर दे दे इधर से दे वहाँ तक पहुँचा देश के अलावा मेरा कोई बीच में जो है रोल नहीं है। इस प्रकार के चमत्कार हो जाते कोई करते नहीं है, आपके कारुणिक पुकार जब बाबा के पास पहुँचती है और बाबा के अंदर एक सेकंड के लिए जब करुणा भाव उत्पन्न होते हैं उसी समय वो चमत्कार घट जाता है और किया जाए कि मैं तेरा ये ठीक कर दूंगा ऐसा हो जाएगा ऐसा हो, चमत्कार नहीं जादू हो सकता है, पर चमत्कार वो होता है कि आपके कारुणिक कृपा निधि बाबा तक पहुंची और बाबा के अंदर आपके प्रति एक करुणा भाव उत्पन्न हुआ, बस केवल घटना इतनी सी घटती है, इसी में सारा जो है योगदान हो जाता है। तो एक सबसे बड़ी अभी जैसे कि अनिता जी ने जो है आनंद जी का स्वागत करवाया है
एक आश्रम की बहुत दिनों से ऐसी इच्छा थी कि इस मार्ग का नाम जो है नित्यानंद देव मार्ग रखा जाए, तो आनंद जी ने इसके लिए काफी प्रयास किया, महापौर जी से ज्ञापन वापन भी दिया। और प्रसन्नता की बात है कि आज ही के दिन महापौर जी ने जो है अपने को नित्यानंद देव ध्यान का नामकरण करने की स्वीकृति प्रदान करती है। तो अपन जो है साधु बात करना चाहेंगे कि बाबा के सेवा में उनका जो है उपयोग हुआ है, बाबा ने इस सेवा के लिए उनको जो है चुना गया है। तो आनंद जी का भाग्य समझना चाहिए, आनंद जी को भी मेरा भाग मतलब उनका भाग्य है कि बाबा ने इस कार्य के लिए उनको चुना है। तो अपन एक बार फिर आनंद जी का बाबा ने जो है उनका इस कार्य के लिए चुनाव किया है। तो आज समाधि दिवस है बाबा का, तो इसके लिए बाबा से तो अपन कुछ वो कर नहीं सकते, केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हम जितने भी बाबा के बच्चे ही हैं, अपन जो शिशु कह दो, बच्चे कह दें, संतान कह दे, पिताजी, कुछ व्यक्ति यहाँ हैं जो बाबा को जो है पिताजी बोलते हैं और माता जी को जो है माता जी बोलते हैं। तो गुरु एक अलग होता है और पिता वो होता है कि कहीं पर भी झगड़ करके आएगा, कहीं पर भी ऊंचे कालम करके आएगा, कुछ भी करके आएगा, पर जहाँ बच्चे के सामने आया तो वहाँ आके सरेंडर कर देता है कि भाई ठीक है, हमारे नाना जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको तो हम बोलते हैं कि आपको तो हम घोड़ा बना के चलेंगे, हम तो आपके पीठ पर बैठेंगे। तो बाबा इतने चरणों में आए तो हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे कि बाबा बस हम लोगों को जिस निगाह में रख रहे हैं इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी करो और अपने नजदीक बुलाएं। इसके अलावा में जो है और जब बाबा के नजदीक जैसे जैसे पहुंचते जाएंगे तो कुछ मांगने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, मेरे को नहीं लगता है कि बाबा से अपने को कुछ मांगना चाहिए, बस केवल है कि प्रार्थना करना चाहिए चरणों में कि बाबा हम जितने भी बच्चे हैं उन सबको अपने चरणों में जो है निकट रखें, इन्हीं भावों के साथ जो है शांति। आज जो है बाबा का समाधि दिवस है वो तिथि के हिसाब से और तारीख के हिसाब से 8 अगस्त को है। तो बापू साहब भी यहाँ आए हुए हैं जो अपने लसुड़िया आश्रम है उनके संचालक हैं, और 8 अगस्त को बाबा का अखंड नाम संकीर्तन सप्ताह है लसुड़िया के अंदर, और 9 तारीख को सुबह गुरु गीताओं का प्रोग्राम पूरा भी पता है आप लोग बताएंगे। तो जिनको भी बाबा की भक्ति करने के लिए लसुड़िया जाने हैं, वहाँ का जो है प्राकृतिक वातावरण है, शहर से बहुत दूर है, गांव का जो वातावरण होता है हरियाली है, प्राकृतिक रमणीय स्थान है, तो आप लोगों को सभी को वहां पर जो है बाबा के दर्शन करते हुए बाबा के भक्ति का लाभ लेने के लिए जो है आना चाहिए। आप दो शब्द बोलेंगे आश्रम की है, काफ़ी दिनों से इच्छा हो रही थी कि इस प्रकार से इस मार्ग का नाम जो है आश्रम के नाम पर नित्यानंद देव के नाम पर रखा जाए। तो इसके लिए पहले एक बार महापौर जी को हम लोगों सभी काफ़ी जने जाके ज्ञापन भी दिया था, और आज प्रसन्नता है कि भगवान नित्यानंद देव के समाधि के दिवस ही महापौर जी ने इस कार्य को करने की अपनी स्वीकृति दी है। तो महापौर जी का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने भगवान नित्यानंद देव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस मार्ग का नाम जो है नित्यानंद देव रखा है, और उसमें आनंद राज्य कटारिया का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा महापौर जी से करवाने के लिए। तो आनंद राज्य कटारिया को भी बाबा की तरफ से आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और आज डबल खुशी की बात होगी कि बाबा का समाधि दिवस तो है ही, पर समाधि दिवस के साथ साथ इस मार्ग का नामकरण करने की स्वीकृति भी प्रदान हो गई है, तो ये हम लोगों के लिए सबकी खुशी की बात है। आज दिन भर या समाधि दिवस पर क्या क्या आयोजन आज? बस शाम को जो है गुरु गीता का हुई और अभी कीर्तन हुआ, आरती हो गई है, अब सभी भक्त लोग जो है ऊपर प्रसाद लेने जा रहे हैं। आश्रम के लिए बड़े हर्ष का विषय है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से सब प्रयासरत थे, और इसके लिए महापौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसमें जो आनंद जी ने जो भूमिका निभाई है उसके लिए भी आश्रम की तरफ से उनका हम स्वागत करते हैं। निश्चित ही ये बहुत मतलब सभी के लिए बहुत सुंदर, आश्रम के जितने भी लोग हैं सभी के लिए बहुत सुंदर बात है कि ये मार्ग का नाम बाबा जी बड़े बाबा जी के नाम पे रखा है। निश्चित ही आपका परिचय दे दीजिए। मैं मनीष भटना, नित्यानंद बाबा के आशीर्वाद से और यति श्री विनय सागर जी महाराज की प्रेरणा से जो पुण्य पवित्र पावन दिन जो हम लोगों को ये महापौर जी की ओर से आश्वासन दिया गया है और
मार्ग का नाम के साथ साथ मैं आपकी जानकारी बढ़ाना चाहता हूँ कि चौराहे का नाम भी नित्यानंद चौक के नाम से किया जाने का उन्होंने आगे बात को बढ़ाई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 8 सितंबर के दिन कार्यक्रम के लिए भी उपलब्ध रहेंगे और इन सब चीज़ों के लिए बाबा स्वयं से मैं आशीर्वाद जो मुझे मिला है उसके लिए हृदय से आभारी हूँ और जो भी आश्रम के लिए काम रहेगा मैं सदैव तत्पर रहूँगा। आपका परिचय? मेरा नाम आनंद राज कटारिया।